जब रामायण खत्म हो गया, रामायण वो शिक्षा देते हैं, भगवान ने राम जगत को शिक्षा क्या दिया है, बोले उन्होंने ये शिक्षा दिया स्त्रियों में आसक्ति होने से जीव को कितने दुर्दशा भोगना पड़ता है। महाभारत देखो ये भागवत में है, इसलिए महाभारत में देखो ये महाभारत क्यों हुआ, ये बोले कि द्रौपदी की वजह से। बोले ये रामायण इतने बड़े लड़ाई क्यों हुआ, बोले कारण यही सीता जी की वजह से हुई। इसलिए भगवान ये जगत में यही शिक्षा देना चाहते हैं, स्त्री में आसक्ति पुरुषों को जीवन में दुख ही दुख ही भोगना पड़ता है। भगवान को थोड़ी दुख है, असली सीता को रावण थोड़ी दुख, तो नकली सीता को चढ़ लिया है। अब जो रामायण सुने होंगे, एक समय एक कोई ब्रह्मचारी था, वो सोचता था शादी करूंगा, मन में इससे लगता है बड़ा आनंद से आज संसार में शादी करूंगा। एक समय जाते समय एक सुंदर की कुआ थी, बड़ी मीठी मीठी हवा बह रही थी, सोचा यहाँ पर थोड़ी सी सो जाऊ। इतने में कुआ ऊपर सो गया पास में, उसने इच्छा तो करता था शादी करे। इतने में उसने स्वप्न देखा, मेरी शादी हो गई है और दो बच्चे भी हुए हैं, और पत्नी एक तरफ में सोई हुई और मैं एक तरफ में सोया हुआ। इतने में उस स्वप्न में उसकी पत्नी कह रही है, बोले थोड़े सर कर सोना, दोनों बच्चे बीच में सोए हुए, थोड़े सर जाना। लेकिन वो सोया हुआ था कुएं के पास में। इतने में उन्हें स्वप्न में था सर गया तो और कुएं में धड़ान करके कुएं में गिर गया। बड़े जोर से चिल्लाया, बचाओ 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 बचाओ। सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के उसको किसी तरह से कुएं से निकाले। जब देखा बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए, उनको देख करके उसने पूछा, तुम लोगों का शादी हो गई, तुम लोगों ने शादी कर लिया है? बोले भैया ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बोले भैया मैंने स्वप्न में शादी करके कुएं में गिर पड़ा। स्वप्न में शादी करके मैंने कुएं में गिर पड़ा। अगर तुम लोग सचमुच से शादी किए बताने कौन से कुएं में गिर पड़ा। इसलिए भागवत में बताया गृहांत उपम, हमारे प्रहलाद महाराज कहते गृहांत उपम, ये गृह को उन्होंने अंत कुआ, उन्होंने ये घर को उन्होंने माना है। इसलिए भगवान राम, लेकिन सभी का घर नहीं, जिनके घर में सदगुरु आश्रय करते हुए जो लोग गले में कंठी तिलक भगवान के भजन करते हैं, उनका घर ये अंधकुआ नहीं है। उनका घर तो जितिन गृह भजन देखी गृह के गोलोक है। जिस दिन घर में हरि कीर्तन हो, सबके सब मिल करके भगवान की सेवा भक्ति करते हैं, वो घर तो भगवान का धाम है। लेकिन जिस घर में भगवत भजन नहीं होता है वो घर गृहांत कुप है। इसलिए भगवान राम ये चीज को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये सब ठाकुर जी ने लीला की है। श्री माधव महाराज